व्यासं ततो जया मुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, मेरे बहन भाइयों, स्वागत है आप सभी का भागवत गीता सत्संग में। भागवत गीता में श्रेष्ठतम ज्ञान हमको मिलता है, क्योंकि भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हम सभी के प्राणदाता हैं, अन्नदाता हैं, बुद्धिदाता हैं, सभी के पिता हैं, उनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द, एक एक शब्द अमूल्य शब्द, अकाट्य शब्द, जिनको कोई काट नहीं सकता। इतने प्रेम में विभोर होकर के अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, और अर्जुन की ही विशेष अनुकंपा से ये ज्ञान बहुत ही सुलझ करके सरलता से रहस्यों के अति रहस्यों के भी पर्दे चीरता हुआ जन साधारण को मिला है, मिल रहा है। इस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए लाखों करोड़ों लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो आइए इस लाभ को हम भी लें। हमारी गाड़ी पटरी पर आ जाए, जो पटरी भगवान के धाम तक जा रही हो, तो एक दिन अवश्य ये जीवन की गाड़ी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगी। सने सने पिपील का सौयोजन गता, धीरे धीरे एक चींटी भी सौयोजन तक चली जाती है। तो फिर हम तो चींटी नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य भगवान का प्रतिनिधि बनकर प्रकट होता है, जन्म लेता है। मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है, पशु पक्षी नहीं। सिर्फ हमको भगवान के शब्दों पर ध्यान देते हुए भगवान का कहा मानना चाहिए, तो हमको सुख मिलेगा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिलेगा जीवन का। जिस आनंद की तलाश में हम सभी निकले हुए हैं, सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करते हैं उस आनंद को पाने के लिए, ढूंढते हैं उसे जमाने भर में, जमाने की किताबों में, जमानों की बुद्धियों से जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़ करके, त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, पहला कर्तव्य ये कर। सबसे पहला कर्तव्य है मनुष्य का कि वो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान को अपने जीवन में स्वीकारे कि भगवान है,
और हम उनके अंश हैं। जब ये जानकारी, ये स्वीकारिता होगी हमारे हृदय से, तब हम भगवान के कृपा के पात्र बनेंगे और उनकी सेवा भी मिलेगी, शरणागति भी मिलेगी, उनकी रक्षा भी मिलेगी, उनकी छत्र छाया मिलेगी हमको। आइए तो आगे के उपदेश का आनंद लें। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे पिछली प्रवचन माला में कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान ने कहा है कि बुद्धिहीन लोग मुझे नहीं पहचानते जैसा मैं हूं। गोप वेश है मेरा, स्वर्ण रत्न जटित मुकुट के अंदर मोर पंख लगा हुआ है, शोभायमान है, गले में वैजयंती माला है, कांधे पर पीतांबर पड़ा है, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं जो बसंत ऋतु के रंग हैं, जैसे सरसों खेतों में फूलती है, खिलती है, पीत रंग बसंत का रंग है, पीतांबर धारी उनका नाम है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ में बंसी है, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप। कभी मुझे दर्शन हो गए भगवान के तो मैं आपको बतलाऊंगा। सपने में झलक आती हैं, मूर्तियों में दर्शन करते हैं, कभी कभी आवास भी होता है कि कहीं शाम तो नहीं मेरे आसपास कहीं, लेकिन नहीं, जब वो मिलेंगे और जब मैं उनका स्पर्श करूंगा तब आपको और भी विशेष रूप से भगवान के विषय में कहूंगा। लेकिन ये परम सत्य है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वो निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ व्यक्ति नहीं हूं, निराकार का कारण भी मैं हूं, ये संसार का कारण भी मैं हूं, ब्रह्म ज्योति का कारण भी मैं हूं, कारणों का कारण भी मैं हूं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव, इनका कारण भी मैं ही हूं। नारायण भी मेरा द्वितीय स्वरूप है, चार भुजाओं वाला, ओरिजिनल रूप में मैं ग्वाले के रूप में ही, गोप वेश में, श्याम सुंदर स्वरूप से, परम लावण्य रूप से, परम सुंदरता भगवान के शरीर की है। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहश्च, भगवान का श्री विग्रह शरीर आनंद का, आनंद स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, आनंद चिन्मय इटर्नल, आनंद चिन्मय भगवान हैं, तब तो हम हैं। भगवान हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। संतानों के तो इतने सुंदर मुख हैं और पिता का कोई मुख नहीं। भगवान कहते हैं मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं। मैं सभी कारणों का कारण हूं। ईश्वरः सर्वभूत, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ओ भगवान परमेश्वर, वो आकर्षण युक्त हैं, परम आकर्षण रखने वाले हैं। ईश्वर परमा कृष्ण, परम आकर्षण उनके पास है। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह यानी शरीर, उनका शरीर जो है सच्चिदानंदमय है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीवात्मा है,
यानी हमारे बाबाओं के बाबाओं के बाबाओं के भी बाबा हैं, देवताओं के भी पिता हैं। देवता भी नहीं थे, देवियां भी नहीं थी, ये ब्रह्मांड में कोई नहीं था तब ब्रह्मा जी थे। विष्णु भगवान को छोड़ करके, विष्णु भगवान की नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ, प्रकट हुए। भगवान के अंश, ये भगवान की लीला है, कृति है। ये ब्रह्मांड में शिव भी नहीं थे तब ब्रह्मा थे, शिव का प्राकट भी बाद में होता है। हरि तो सदैव है, सब जगह है, प्रलय में भी वो है। विष्णु भगवान की नाभि से कमल का फूल निकलता है, कमल के फूल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये प्रथम आत्मा है और भगवान के अंश अवतारों में गिने जाते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मांड की प्रथम आत्मा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर का श्री विग्रह शरीर इटर्नल है, स्पिरिचुअल है, हमारी तरह मैटेरियल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब भील के बाण से घायल हुए, ये भगवान की लीला, इसको जैसे भगवान ने कहा है खुद अपने मुख से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। भगवान का हर कृत्य उनकी लीला है, ट्रांसेंडेंटल है। शास्त्र कहते हैं कि जो बाला भील ने जो तीर मारा था भगवान को, यही पिछले जन्म में भगवान श्री राम के समय में बाली था। जब भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर से मारा था पेड़ों की ओट से, बाली को वरदान मिले हुए थे ब्रह्मा से कि जो भी उससे कुश्ती लड़े उसका आधा बल उसके अंदर आ जाए। श्री राम इस मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते थे, ब्रह्मा जी के वचनों को मिथ्या नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सामने आके मारे तो भी कोई अर्ज नहीं है, छुपके मारे तो भी कोई दोष नहीं है। वो अवतार है भगवान के, समर्थ को नहीं दोष उसाई, वो सामर्थ्यवान है, वो मार भी सकते हैं जला भी सकते हैं, उनके लिए लीला है। लेकिन बाली ने तीर लग गया तो बहुत दुखी हृदय से कहा था कि कौन है ये, कौन है जिसने मुझे छल से छुपकर मारा है, मेरे सामने आओ। श्री राम चुप कदम कदम चल के और बाली के पास आए। बाली ने कहा कि तुम हो मुझे छुपके मारने वाले, छुपके से तीर मारने वाले। क्षत्रिय का तो यह धर्म नहीं है कि छुपके से किसी वीर को मारे। खैर, मैं तो इस बाण से भगवान के धाम को जा रहा हूं, आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन मेरे बेटे अंगद का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं, इसकी रक्षा करना। बाली को बहुत क्रोध आया था, लेकिन बाली को भगवान ने दर्शन दिए, बाली पहचान गया कि राम साधारण नर नहीं, ये तो भगवान के अवतार है। भगवान की कृपा से ही जाना बाली ने, जे ही जाने सोई देव जनाई, वही जान पहचान सकता है हमको जिसको जान सकते हैं। भगवान जिसको जना देते हैं वही जानता है भगवान को।
बाली ने पहचान लिया कि ये मुझे इतने गुस्से में शब्द नहीं बोलने चाहिए कि कौन है, किसने मुझे मारा है। पहचान गए तो बोले कि ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ, मैं तो मरकर आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन मेरे बेटे अंगद एकमात्र ये पुत्र है, इसका हाथ आपके हाथ में देता हूं, आप इसका ध्यान रखना, अभी ये छोटा है, बाप का कर्तव्य यही है। बाप का ध्यान जाता है अपने छोटे बेटे की तरफ कि अभी ये छोटा सा ये बेचारा, मैं जा रहा हूं। अव्यक्तम व्यक्ति मां पन्नम मन्यन्ते मां मैं बुद्धया, मूर्ख लोग तो मुझे ऐसे ही समझते हैं कि निराकार से प्रकट हुआ है श्री कृष्ण या राम। परम भावम एजानंतो मम भू मम अव्ययम अनुत्तमम, वो मुझे जैसे जिस रूप से मैं हूं नहीं जानते। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये गोविंद ही सब कारणों के कारण है, ये आदि पुरुष है। आइए आज के सत्संग में आगे का श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अर्जुन, मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते, मेरा जो शरीर है ये अजन्मा है, किसी माँ के गर्भ में 9 महीने 10 महीने रह करके जन्म नहीं लेता मैं, ये मेरा शरीर अजन्मा है। लोको माम, मेरा ये लोक जिसमें मैं रहता हूं, मेरा वो लोक गोलोक वृंदावन भी जिसमें मैं रहता हूं वो भी अजर अजर अमर है, और ये मेरा शरीर भी अजर अमर है। लोको माम अव्ययम नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम। अजम मानी अजन्मा, जन्म नहीं लेता, लोको यानी मेरा शरीर जन्म नहीं लेता, लोको अजम अव्ययम, और ये अव्यय है, व्यय नहीं होता, क्षीण नहीं होता, जंक नहीं लगती इसमें, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं आती, सफेद बाल दौड़े नहीं होते, सफेद बाल काले नहीं होते, काले बाल सफेद नहीं होते। हम सबके काले बाल थे बचपन में, बड़े रेशमी मुलायम, बड़े हुए ज्यादा प्रौढ़ावस्था में तो थोड़े काले तो रहे लेकिन कड़क हो गए, फिर एक बाल सफेद आया, दो बाल सफेद आए, फिर देखते देखते तो सारे ही सफेद ही हो गई, दाढ़ी भी सफेद, मूछ भी सफेद, बाल भी सफेद। भगवान की शरीर में तरुणता नवयौवनता रहते हुए भी ये चीजें नहीं होती, बदलाव नहीं आता, एज इट इज रहता है, इटर्नल है। जे आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, कोई भी अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, न एनम छिन्दंती शस्त्राणी, न एनम दहती पावक, न च एनम कलेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी प्रकार से आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं कर सकता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि भगवान का ही एक अंश है आत्मा, हम सब ऐसे ही। भगवान कह रहे कि ये मेरे शरीर जो है, मेरा लोक जो है जिसमें मैं रहता हूं, ये अजन्मा है और अव्यय है।
ये कभी अपनी स्थिरता से नहीं गिरता, क्षीण नहीं होता। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान कहते हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, मेरी योग माया का पर्दा और उस पर्दे के पीछे में जब मुझे आवश्यकता हो मेरे किसी भक्त के सामने प्रकट होने की, तभी मैं पर्दा हटाता हूं, सबके सामने नहीं हटाता। इसलिए मूढ़ो अयम नाभि जानाति, मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं। तो मूर्ख क्या, साधारण लोग भी नहीं पहचान पाएंगे? फिर भगवान को तो वो ही पहचानेगा जिनको वो पहचान दे देंगे अपनी, या दिखा देंगे कुछ करामात, कलाकारी कृति। जरासंध ने क्या भगवान को पहचाना था? युधिष्ठिर महाराज की भरी सभा हस्तिनापुर में नहीं, शिशुपाल ने पहचाना था नहीं, शिशुपाल गाली देता था भरी सम्राटों की सभा में कृष्ण को, 100 गाली शिशुपाल निकाली भरी सभा में सुन गए श्याम, एक और जब मुख से निकली चक्री कीना काम तमाम। शिशुपाल को बहुत, भगवान ने कहा कि शिशुपाल बस 98 हो गई, अरे चल चल ग्वाले, गांवड़े के रहने वाले शिशुपाल 99 हो गई, अरे धूर्त, अरे छलिए, अरे नचइए। शिशुपाल 100 गाली पूरी हो चुकी है, बस अब मत देना, मैं कहता हूं अब मत देना, मैंने तेरी मां को ये वचन दिए थे कि तेरा बेटा 100 गाली बड़ी से बड़ी 100 अपराध करेगा तब तक मैं उसको क्षमा कर दूंगा, समझा देना इसको 100 से ज्यादा न करे। बस शिशुपाल अब शांत हो जा। नहीं, शिशुपाल मानने वाला नहीं, शिशुपाल असुर वृत्ति में, असुर वृत्ति भगवान को पहचानते ही क्या? नहीं, वो मानते ही नहीं कोई भगवान है, वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं। तो शिशुपाल ने और भी गाली दी, भगवान ने तो उसका सर काट दिया। लेकिन यह है कि जो शिशुपाल की आत्मा भगवान में समाहित हो गई, भगवान के शरीर में समा गई, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई शिशुपाल को। भगवान होने के कारण ही लाभ मिला असुर को, जरासंध को भी लाभ दिलाया, भीम के हाथों मारे लेकिन खड़े थे वहां भगवान श्री कृष्ण। और जब भगवान श्री कृष्ण एक तुनके के दो टुकड़े करके एक इधर फेंकते थे एक इधर, और भीम को इशारा देते थे भीम, तो जरासंध भी देख रहा था, वह ये देखने से उसका कल्याण हो गया। भगवान के अंत समय में उसको भगवान के प्रति ही भावना रह गई कि ये कृष्ण के कारण आज मैं मारा जा रहा हूं, नहीं भीम क्या मेरे दो टुकड़े कर सकता है। जरासंध को जो है इसके दो टुकड़े पैदा जोड़े थे, दो टुकड़े करके जरासंध को जन्म की कथा है उसकी, जरा नाम की एक राक्षसी ने दो टुकड़े बालक के करके फेंक दिए थे माँ ने, क्योंकि राक्षसी जैसा शरीर लेके पैदा हुआ था, डर गई थी माँ भी देख करके। ये तो कथा बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये लोग नहीं पहचानते मुझे, क्योंकि मैं सबके सामने